हेलो बच्चों, कक्षा 11वीं की लेखा शास्त्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आज अपन वित्तीय लेखांकन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, उसमें व्यापार चिट्ठा आपको इसके बारे में आज अध्ययन करना है। व्यापार खाते, उसके अंदर अपन आज लेखा शास्त्र के अंतर्गत वित्तीय विवरण की जानकारी के उसमें अपन पढ़ेंगे व्यापार खाते। तो व्यापार खाते क्या होते हैं, व्यापार खाते कैसे बनाए जाते हैं? तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर या माल की लागत विक्रय करने पर, मतलब जो वित्तीय वर्ष होता है उसके जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर माल की लागत का विक्रय, एक छोटा सा प्रश्न टाइप का ही है बेटा ये। व्यापार खाता कब बनाया जाता है, ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप इनको तैयार करेंगे। तो व्यापार खाता लागत व विक्रय के परिणामों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्यापार खाता कहते हैं। इसमें विकलन पक्ष, स्टाफ, क्रय, माल संबंधी प्रत्यक्ष, मतलब इसकी इसमें आपको क्रय माल संबंधी सभी प्रत्यक्ष, मतलब जो प्रत्यक्ष व्यय जो दिखाई देते हैं लिखे जाते हैं। इसको संकलन पक्ष में माल में विक्रय की राशि, अंतिम स्टाक भी लिखा जाता है। खाते में संकलन मतलब समाकलन शेष होने पर सकल लाभ और विकलन शेष होने पर सकल हानि, मतलब कुल हानि, मतलब उसको प्रदर्शित करता है कि खाते का शेष लाभ हानि खाते के हस्तांतरण का योग बराबर, इसका मतलब जो खाता होता है उसका हस्तांतरण, उसका योग उसके बराबर कर दिया जाता है। सरल शब्दों में प्रदर्शित करने के लिए खाते का, मतलब व्यापार खाता सकल लाभ एवं सरल हानि ज्ञात करने के लिए क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, जिसे व्यापारिक खाता कहते हैं। ये वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत आता है बेटा, ये अपना पाठ 14 है। कौन सा पाठ है ये, पाठ 14 है ये वित्तीय लेखांकन, और इसमें अपन इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं वित्तीय विवरण। तो उसमें आप बनाएंगे व्यापारिक खाता। फिर ये दूसरा हो गया बेटा लाभ और हानि खाता का अर्थ बताइए, मतलब लाभ और हानि खाते का अर्थ, मतलब व्यापार खाते में बनने के लिए व्यापारियों को व्यापार की वास्तविक स्थिति, मतलब जो लाभ हानि खाता बनता है वो व्यापार की वास्तविक स्थिति का ज्ञान, मतलब जो आपको ये नहीं मालूम कि आपको लाभ होगा कि हानि होगी, तो वास्तविक स्थिति को ज्ञान नहीं होता। व्यापारी व्यापार की वास्तविक स्थिति जानने के लिए लाभ हानि खाता बनाना आवश्यक होता है। मतलब आप कोई व्यवसाय करोगे तो उसके लिए आप कितनी लाभ, मतलब आपने कितनी लागत पर व्यापार शुरू किया, फिर उसमें क्या क्या व्यय किए, उस व्यय से उत्पादन से आपको लाभ हुआ या हानि हुई, इसके लिए अपन क्या बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष व्ययों तथा आगम की प्राप्ति का लेखा किया जाता है। इस प्रकार लाभ हानि खाता व्यापार खाता बनाने के पश्चात इससे अपन शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि भी ज्ञात करने के लिए अपन से बनाते हैं। विकलन पक्ष में अप्रत्यक्ष व्यय आएंगे और समाकलन पक्ष में आपके आगमन में आय के लेखे किए जाएंगे। फिर दोनों पक्षों का योग कैसा होगा, अंतर शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि होगी, तो इसे लाभ हानि खाता कहते हैं। फिर है व्यापार खाते के पक्ष में लिखी जाने वाली चार पदों के नाम बताइए। जो व्यापार खाता होता है उसमें आपके, मतलब जो का व्यापार खाते के पक्ष में लिखी जाने वाली चार मद होती है। पहला नाम, तो पहला होता है प्रारंभिक स्टॉक, मतलब प्रारंभ में सबसे पहले अपन लाभांश खाता बनाएंगे, व्यापार खाता बनाएंगे, तो उसमें लिखेंगे पहले स्टॉक। स्टॉक में आपके पास क्या क्या है, उसके बाद आएगा क्रय, फिर तीसरा आएगा मजदूरी, मतलब आपने क्या क्रय किया, फिर मजदूरी, फिर ईंधन व शक्ति, और उसके बाद आपका आएगा पांचवा। बाद है लाभ हानि खाता के, मतलब
मतलब लाभ हानि खाता है उसमें जमा पक्ष में लिखी जाने वाली मद कौन सी होती है। तो ये आपने देखा व्यापार खाते में लिखे जाने वाले कौन कौन सी मदें हैं। उसके बाद लाभ हानि खाते में आपको जो मदें लिखी जाएंगी वो कौन सी होगी। पहला होगा ब्याज, मतलब जो अपन को राशि पर ब्याज प्राप्त हो रहा है, कमीशन। तीसरा है बट्टा प्राप्त होना, और चौथा है प्राप्त लाभांश, मतलब अपन की इस चार मद है लाभ हानि खाते में लिखने की। पहला है ब्याज, दूसरा है कमीशन, तीसरा है बट्टा, और चौथा है प्राप्त लाभांश। फिर उसके बाद है चिट्ठा से क्या आशय है। चिट्ठा को अपन स्थिति विवरण भी कहते हैं, चिट्ठा या स्थिति विवरण। अपन कोई भी खाता बनाने के लिए चिट्ठा ही बनाते हैं जिससे अपन को व्यापारिक जानकारी प्राप्त होती है। चिट्ठा व्यापार के व्यक्तिगत खातों एवं वास्तविक खातों की विशेष सूची या विवरण पत्र है जिसमें संपत्ति दायित्वों के रूप में वर्गीकरण करके दर्शाया जाता है, जिसमें दायित्व को चिट्ठे के बाएं पक्ष में और संपत्ति को दाएं पक्ष में लिखा जाता है। इस साल के अंतिम दिन, मतलब ये जो स्थिति विवरण या चिट्ठा है वो साल के अंत में बनाया जाता है, और हम कह सकते हैं कि चिट्ठा वह दर्पण है जो व्यापार की संपत्तियों एवं दायित्व की स्थिति को क्या करता है, प्रकट करता है, और इसको बनाने के व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी होती है, सही मतलब जो व्यापार की स्थिति हो उसका सही आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान हो सकता है। तो चिट्ठा से क्या आशय है, चिट्ठा और स्थिति विवरण ये दोनों चीज एक ही होती है। उसके बाद है प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा व्यापार लेखे में विकलन पक्ष में किया जाता है। उपयुक्त मद को लिखने के लिए पश्चात प्रत्यक्ष व्यय, मतलब जो प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं, प्रत्यक्ष व्ययों के बारे में, तो इससे प्रत्यक्ष व्ययों में से तात्पर्य है माल की खरीदी और उसके निर्माण में, मतलब जो उसका निर्माण है उसमें किए जाने वाले व्यय वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष व्यय, वह प्रत्यक्ष कहलाते हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या आता है बेटा, क्रय का भाड़ा, चुंगी, मजदूरी और ईंधन शक्ति आदि ये चीजें काय के अंतर्गत आती है, प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आती है। उसमें भवन, भूमि, फर्नीचर, मशीनरी ये सब भी आ जाते हैं। उसके बाद ही बेटा वित्तीय विवरण का महत्व बताइए। तो वित्तीय विवरण क्या होता है, व्यापार के लाभार्जन के लिए शक्ति का ज्ञान, मतलब सबसे पहला वित्तीय विवरण बनाने के लिए क्या है, सबसे पहला है व्यापार का लाभ अर्जन, शक्ति का ज्ञान, मतलब अपन कोई भी व्यवसाय करेंगे तो अपन को सबसे पहले व्यापार में लाभ अर्जन की शक्ति का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो प्रत्येक व्यय में अंत में अंतिम खाता तैयार करना, लाभ अर्जन शक्ति को ज्ञात किया जाना, एक वर्ष के अंतिम, मतलब जो अंतिम खातों की तुलना में विगत वर्षों को तैयार करना, मतलब जो अपन अंतिम शेष लिखते हैं उसके बारे में भी अपन को तुलनात्मक, मतलब विगत वर्ष में जो वर्ष बीत गया है उसमें अपन को उस वर्ष में कैसे तैयार किया था, इसके लिए अंतिम खाते करके व्यापार की लाभ अर्जन शक्ति और वृद्धि या कमी की क्या हो जाती है, अपन को मतलब कमी ज्ञात की जा सकती है। फिर दूसरा है लाभ अर्जन का ज्ञान, मतलब अपन को दूसरा वित्तीय स्थिति विवरण बनाने में लाभ अर्जन का ज्ञान, तो इसमें अपनी महत्व है बेटा वित्तीय विवरण का महत्व। तो पहला हो गया व्यापार का लाभ अर्जन, दूसरा हो गया लाभ हानि का ज्ञान। तब अपन को वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपन को किस चीज में सभी प्रकार के लाभ अथवा हानि की जानकारी प्राप्त होना चाहिए। व्यापार खाता माल के निर्माण तथा क्रय विक्रय से होने वाले सकल लाभ, सकल मतलब कुल लाभ, और सकल हानि मतलब कुल हानि को प्रकट करता है। लाभ हानि खाते में शुद्ध लाभ हानि ज्ञात की जा सकती है। फिर उसके बाद है तीसरा आर्थिक स्थिति का ज्ञान। तो वित्तीय विवरण का तीसरा महत्व होता है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। एक सकल व्यापारी, मतलब एक व्यापारी जो होता है उसको व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, और दायित्व तथा संपत्ति उसके
बाद है भावी योजनाओं में सहायक। जो वित्तीय विवरण होता है वो भावी योजनाओं में क्या होता है? सहायक होता है। अंतिम खाते द्वारा उपलब्ध की जाने वाली मतलब वर्ष के मार्गदर्शन में क्या करती है? कार्य करती है। और व्यापार की भावी योजनाओं को तैयार करने में भी क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। फिर सकल लाभ और शुद्ध लाभ में क्या अंतर होता है? मतलब आपको एक छोटा सा प्रश्न है बेटा, 4 या 5 नंबर का होता है ये क्वेश्चन। सकल लाभ और शुद्ध लाभ में क्या अंतर है? तो सकल लाभ व्यापार के खाते में सकल लाभ निकाला जाता है और शुद्ध लाभ मतलब शुद्ध लाभ को निकाला जाता है। फिर उसके बाद है सकल लाभ का लाभ हानि खाते में हस्तांतरण किया जाता है। मतलब ये दोनों जो क्या है अंतर है, लाभ है तो लाभ में सकल लाभ को निकाला जाता है और उसमें शुद्ध लाभ को निकाला जाता है। सकल लाभ में सकल लाभ को निकाला जाता है, शुद्ध लाभ में शुद्ध लाभ को निकाला जाता है। उसके बाद हस्तांतरण, सकल खाते में हस्तांतरण कर दिया जाता है और उसमें शुद्ध लाभ को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। तो शुद्ध लाभ होता है उसको पूंजी खाते में क्या करते हैं? हस्तांतरित करते हैं। फिर मूल्य का निर्धारण, इसमें व्यापारियों को मूल्य के निर्धारण में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। और इसमें व्यापारियों को विक्रय मूल्य में मतलब जो उनका विक्रय मूल्य है उसको निर्धारण करने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। फिर है इसका सूत्र, उसको ज्ञात करने के लिए शुद्ध विक्रय धन अंतिम स्टॉक मतलब शुद्ध विक्रय होता है प्लस अंतिम स्टॉक होता है प्लस प्रारंभिक स्टॉक प्लस मतलब प्लस शुद्ध क्रय और प्रत्यक्ष व्यय जो व्यय अपन को दिखाई देते हैं और उसके बाद अपन को माइनस सकल लाभ उससे घटा देते हैं तो अपन को सकल लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद ये होगा शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ को ज्ञात करने का सूत्र है सकल लाभ धन आय माइनस अप्रत्यक्ष व्यय। तो ये हो गया आपका सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपको बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, आप इसको याद। फिर उसके बाद होता है बेटा कि चिट्ठा क्या होता है? चिट्ठे से संपत्ति एवं दायित्वों में लिखी जाने वाली 10 मदों के नाम लिखिए। तो चिट्ठे में कौन कौन सी मदें लिखी जाती हैं? तो पहला होता है चिट्ठे में लिखने के लिए हस्तरोक मतलब जो आपके पास हाथ में रोकड़ है ये संपत्ति के अंदर आती है। दूसरा है बैंक में रोकड़। तीसरा है ऑफिस स्टॉक मतलब आपके ऑफिस में कितना स्टॉक है। तीसरा है देन, चौथा है देनदारी और पांचवा है विनियोग। छठवा है प्रायः बिल। सातवां हो गया आपका फर्नीचर है ना, ये छठवा हो गया प्रायः बिल और छठवा सातवां हो गया फर्नीचर, भूमि, ख्याति और प्लांट एवं मशीनरी। ये चिट्ठे में आपको जो चिट्ठे में दायित्व के पक्ष में लिखे जाते हैं वो मदे हैं। फिर दायित्व पक्ष में आपको क्या क्या आता है? ये संपत्ति पक्ष हो गया आपका। फिर दायित्व पक्ष में क्या क्या आता है? जैसे आपने संपत्ति पक्ष में लिखा वैसा आप दायित्व पक्ष में पूंजी संचय मतलब जो पूंजी है आपके पास वो आपने कितना संचय किया वो, लेनदारी किससे क्या लेना है, देय बिल, बैंक का अधिकर्षण, ऋण और आदत्त व्यय, अनुपार्जित व्यय, अग्रिम राशि और शुद्ध लाभ। ये आपको चिट्ठे मतलब चिट्ठा होता है उसमें संपत्ति एवं दायित्व में लिखी जाने वाली ये मद है। फिर व्यापार एवं लाभ हानि खाते में क्या अंतर होता है? व्यापार क्या होता है? व्यापार सकल लाभ एवं सकल लाभ हानि को क्या करता है? प्रदर्शित करता है इसके परिणाम ही। और लाभ हानि क्या करता है? शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का अपन को ज्ञान कराता है। फिर उसके बाद हो गए व्यय। तो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं जो व्यापार खाते में होते हैं और अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं जो लाभ हानि में लिखे जाते हैं। प्रत्यक्ष जो दिखाई देते हैं, जो अप्रत्यक्ष जो नहीं। फिर शेष अंतरण, इसमें शेष खाते में शेष लाभ हानि खाते में आहरित किया जाता है और से खाते को शेष पूंजी खाते में क्या करते हैं? अंतरित कर दिया जाता है। फिर इसका बाद होता है क्रम, यह खाता तलपट बनाने के बाद तैयार किया जाता है। जो व्यापार खाता होता है वो तलपट बनाने के बाद इसे क्या करते हैं? तैयार करते हैं और इस खाते को
प्रमुखता है बेटा, यह लाभ हानि खाते का एक अंग है, मतलब ये लाभ हानि खाते का एक अंग है और ये लाभ हानि खाते का प्रमुख माना जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, चिट्ठी क्या होती है, चिट्ठी की परिभाषा और इसके बनाने के उद्देश्य लिखिए, मतलब जो इसके उद्देश्य होते हैं वो क्या है। तो चिट्ठा, चिट्ठा एक विवरण पत्र है, मतलब एक चिट्ठा बनाते हैं वह क्या है, एक विवरण पत्र है, उसमें किसी भी व्यापार के दायित्व और संपत्तियों क्या करते हैं दर्शाया जाता है और इसमें व्यापार की आर्थिक स्थिति का, अपन जो व्यापार कर रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो सकता है। फिर इसके उद्देश्य होते हैं, पहला है व्यापार के समस्त स्थायी संपत्तियों के वास्तविक मूल्य की जानकारी, दूसरा होता है इसका देनदारों और लेनदारों की प्राप्त, मतलब प्राप्त जानकारी, तीसरा हो गया पूंजी में वृद्धि अथवा कमी, फिर उसके बाद हो गया बेटा व्यापार की स्थिति तुलनात्मक जानकारी, मतलब पिछले वर्ष की स्थिति में उत्तर तुलनात्मक जानकारी प्राप्त कर भविष्य की योजना को तैयार करना, फिर इसके बाद है व्यापार शेष रोकर का ज्ञान, फिर इसके बाद है व्यापार की लाभार्जन शक्ति का पता लगाना और व्यापार की स्थिति का सही सही मूल्यांकन करने में सहायक, जो हम चिट्ठा बनाते हैं वो मतलब इसका उद्देश्य यही होता है कि व्यापार की सही सही स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। फिर होता है लाभ हानि खाते बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं, मतलब आप लाभ हानि खाता किस उद्देश्य के लिए बनाते हैं, तो पहला है शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी के लिए, तो व्यापार में होने वाले जो शुद्ध लाभ है और शुद्ध हानि की जानकारी के लिए, मतलब लाभ हानि खाता बनाने का उद्देश्य पहला होता है शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी, मतलब आपको प्राप्त हो सके। दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष व्ययों का ज्ञान, उससे लाभ हानि खाते से संपूर्ण अप्रत्यक्ष व्ययों की आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर पूंजी की जानकारी, तो व्यापार में लगाई गई पूंजी कितनी, मतलब आपने जो व्यापार किया उसमें कितनी वृद्धि हुई, इसकी जानकारी भी आपको कैसे मिलेगी, लाभ हानि खाते से मिलेगी। फिर उसके बाद चौथा खर्चों में मितव्ययता, तो अप्रत्यक्ष व्यय अधिक होने से शुद्ध लाभ कैसा होता है, कम हो जाता है और अनावश्यक अप्रत्यक्ष कम, मतलब जो व्यय है उसमें कमी लाकर शुद्ध लाभ को क्या कर सकते हैं, अपन बढ़ा सकते हैं। फिर पांचवा है अन्य व्ययों की जानकारी, मतलब आपको लाभ हानि खाता बनाने में आपको अन्य व्ययों की भी क्या प्राप्त हो जाती है, जानकारी प्राप्त होती है, उसमें लाभ हानि खाते से आपको कमीशन, मतलब जो आपको कमीशन प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ आदि आयों की जानकारी भी आपको कैसे मिलती है, लाभ हानि खाते बनाने से मिलती है। तो ये हो गया बेटा आपका चिट्ठे को परिभाषित करके आपको इसके बनाने के क्या उद्देश्य है और लाभ हानि खाते का क्या, मतलब लाभ हानि खाते बनाने का भी क्या उद्देश्य है। तो आपने चिट्ठा और लाभ हानि बनाने के उद्देश्य भी पढ़े। उसके बाद है बेटा कि अंतिम खातों को किन किन खातों में समावेश किया जा सकता है, जो अंतिम खाते होते हैं उनको किन किन खातों में क्या कर सकते हैं, समावेश कर सकते हैं। तो उसको व्यापारिक अवधि के अंत में, मतलब जो व्यापारिक अवधि होती है उसके अंत में व्यापारियों को, मतलब की जाने वाली खातों में विवरण को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उसके निम्नलिखित विवरणों को, मतलब उसमें निम्नलिखित विवरणों का समावेश किया जाता है। तो सबसे पहला होता है व्यापारिक खाता, तो अंतिम खाते बनाने के लिए समावेश में व्यापारिक खाता, व्यापार खाते बनाया जाता है, सकल लाभ और सकल हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा लाभ हानि खाता, तो लाभ हानि खाता किस लिए बनाते हैं, लाभ हानि की, मतलब आपको लाभ हानि की अवधि के अंत में बनाया जाता है, उससे शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात की जा सकती है, मतलब कौन सा लाभ हानि खाते से आप शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात कर सकते हैं। सबसे लास्ट में बनाते हैं चिट्ठा, चिट्ठा या स्थिति विवरण कहते हैं उसको। तो यह विवरण व्यापार की संपत्ति एवं दायित्व की जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर व्यापार खाते का क्या उद्देश्य होता है, तो पहला उद्देश्य होता है सकल लाभ और सकल हानि।
तो व्यापार खाता बनाने का उद्देश्य सबसे पहले होता है सकल लाभ और सकल हानि, लाभ और हानि ज्ञात करना, व्यापार के उत्पादन की स्थिति की सही जानकारी प्राप्त करना, और तीसरा होता है व्यापार खाते प्रत्यक्ष व्ययों की, मतलब जो प्रत्यक्ष व्यय है उनकी जानकारी प्राप्त हो सके, तो उसमें तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए व्यापार खाता बनाया जाता है कि पिछले वर्ष तो तुलनात्मक खाता ये बनाते हैं। फिर उसके व्यापार खाते में बनाने के लिए क्रय विक्रय की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी बनाए जाते हैं। फिर दायित्वों का वर्गीकरण, मतलब छठवां है बेटा इसका, विक्रय एवं उससे प्राप्त किए गए लाभों के अनुपात की जानकारी प्राप्त करने के, मतलब व्यापार खाता विक्रय एवं उससे प्राप्त लाभ के अनुपात, मतलब आपने जो विक्रय किया उसके लाभ के अनुपात की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी बनाया जाता है। उसके बाद है दायित्वों का वर्गीकरण समझाइए। तो दायित्व के निम्नलिखित तीन है वर्गीकरण। पहला है स्थायी दायित्व, जिसका भुगतान लंबी अवधि के बाद किया जाता है, जो स्थायी दायित्व होता है जो हमेशा। दूसरा है चर दायित्व, जिनका भुगतान अल्पकाल के लिए, मतलब एक वर्ष के लिए किया जाता है। उसी प्रकार हो गया बेटा तीसरा संभव दायित्व। संभव दायित्व वो होते हैं जिनका भुगतान भविष्य की घटना पर मतलब निर्भर करता है, और जो चल दायित्व होते हैं वो एक वर्ष के लिए किया जाता है। तो आज आपने व्यापार खाता, व्यापार खाते चिट्ठा, चिट्ठी की परिभाषा, लाभ हानि खाता, व्यापार खाता बनाने के क्या उद्देश्य हैं, और व्यापार खाता और लाभ हानि में क्या आपने अंतर पढ़ा, इन सब प्रश्नों, छोटे छोटे प्रश्न है बेटा, ये परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी हैं, आप इनको याद करोगे और पढ़ोगे। धन्यवाद।